महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की त्रिमूर्ति ने कमाल कर दिया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजित पवार ने एनसीपी को तोड़कर पहली बार चुनाव लड़ा। दोनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनसीपी अजित पवार ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 41 सीटों पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा करके सियासी माहौल बनाने की कवायद की। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, जो चुनाव में अहम साबित हुई। लाडली बहना नंबर 1 और रूरल में नंबर 2, 3, 5, 7.5 हाउस पर के बिजली माफ, वो योजना, दो योजना बहुत इफेक्ट करके गई है, सब मुझे लगता है। एकनाथ शिंदे भी मानते हैं कि जितने की उम्मीद थी जनता ने उससे ज्यादा सीटें दी। जनता ने आज बता दिया है, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है आज लोगों ने तय कर लिया है, वो उन्हें मैंडेट दिया है लोगों ने।